नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोविंद है और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 को लेकर। इसमें हम आपको बताने वाले हैं जो सेंट्रल रीजन है और नॉर्दर्न रीजन है, इस रीजन के जो एडमिट कार्ड है कब तक आएगा है। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो इसकी डेट हो चुकी है कन्फर्म, जो इस दिन ये जो है कि एडमिट कार्ड इसके आने वाले हैं। और ये सारा डाटा हम बिल्कुल ऑफिशियली डाटा के माध्यम से देने वाले हैं इस वीडियो में। तो जिन लोगों ने सेंट्रल रीजन और नॉर्दर्न रीजन के एडमिट कार्ड के वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो उन सभी के लिए है, क्योंकि इसमें हम आपको तमाम जानकारी जो है देने वाले हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग। चलिए उस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कौन कौन से रीज़न के जो है एडमिट कार्ड वो यहाँ पे पब्लिश हो चुके हैं एसएससी द्वारा, जैसे देख पा रहे हैं। हमें आना एडमिट कार्ड के सेक्शन में, एडमिट कार्ड के सेक्शन में आने के बाद जैसे देख पा रहे हैं जितने भी रीज़न है हमारे यहाँ, जैसे कि देख पा रहे हैं कि ईस्टर्न रीज़न है, कर्नाटका रीज़न है, साउदर्न रीज़न है, नॉर्दर्न रीज़न है, और भी रीज़न है जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे, वेस्टर्न रीज़न है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश रीज़न है, और सेंट्रल रीज़न है, नॉर्दर्न रीज़न है, और नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन। कल दोस्तों बेसिकली इसका नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन का यहाँ पे जो है कि आ चुका है एडमिट कार्ड, और यहाँ पे बस दो रीज़न बचे हैं ऐसे, जो सेंट्रल रीजन है और नॉर्दर्न रीजन है, जिनका जो है कि अभी तक कोई यहाँ पे एडमिट कार्ड की अपडेट नहीं आई है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना हूँ इनका जो डेट है वो हो चुका है कन्फर्म, अब आएगा इसका एडमिट कार्ड। इस वीडियो के एंड तक सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एडमिट कार्ड चेक करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, अभी भी जितने भी रीज़न आए हैं उनमें जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो किन कारणों से यहाँ पे रिजेक्ट किया गया, जैसे कि देख पा रहे हैं एक कैंडिडेट से इन्होंने अपना भेजा है, जैसे कि देख पा रहे हैं कि इनका फॉर्म लिखा हुआ है द फॉर्म आर रिजेक्टेड, और यहाँ पर किस कारण से लिखा है ड्यू टू द इनवैलिड फोटोग्राफ। ठीक है दोस्तों, वियरिंग स्पेक्स जैसे कि देख रहे हैं स्पेक्टिकल ब्लर्ड जो है इनके आँखों जो का जो है ब्लर आ गया था, फ़ोटो साफ़ नहीं आने के कारण, और इनका सिग्नेचर के कारण इनका जो है कि इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे ही बहुत से कैंडिडेट्स हैं जैसे कि देख पा रहे हैं रिजेक्शन लिस्ट यहाँ पे, जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इनका रिमार्क के इस कारण से इनका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है, और किन कारण से किया गया, नो सिग्नेचर ब्लर्ड, ठीक है, और यहाँ सिग्नेचर नॉट एज पर द फॉर्मेट, यहाँ पे इनका कारण जो है फॉर्म रिजेक्ट करने का कारण यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका सिग्नेचर है। ठीक है दोस्तों, जिससे कि फ़ोटो क्लियर नहीं आने के कारण, और यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं जिनका देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कि यहाँ पे इनका फॉर्म रिजेक्ट इस कारण से हुआ है, यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं मल्टीपल्स ऑफ एप्लीकेशंस। जी हाँ दोस्तों, यानी मल्टीपल यानी बहुत ज़्यादा बार इन्होंने क्या है फॉर्म को अप्लाई करने की कोशिश करी है एक ही आईडी से, दोस्तों इसके कारण इनका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया है एसएससी द्वारा। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे इनका जो फॉर्म है किस कारण से रिजेक्ट किया गया है, एडमिशन सर्टिफिकेट जैसे देखो फॉर्म रिजेक्टेड किस कारण से रिजेक्ट किया है, तो जैसे कि देख पा रहे हैं ड्यू टू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, इन्होंने अपना एप्लीकेशन भर के छोड़ दिया था जिसके कारण इनका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे इनका फॉर्म इनकम्प्लीट इसलिए दिखा रहा है, जैसे कि देखो रजिस्ट्रेशन हो चुका है कम्प्लीट, फोटो सिग्नेचर हो चुके हैं, अपलोडेड अप्लाई भी कर दिया है, पेमेंट स्टेटस इनकम्प्लीट। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन को जो एक कोड आता है, मतलब एक लिंक आता है उस पर क्लिक करना पड़ता है, तो आपका यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन यानी पेमेंट सक्सेसफुली दिखाने के कारण आपका जो है कि एप्लीकेशन स्टेटस इनकम्प्लीट हो चुका था, इसके कारण इनका जो है कि रिजेक्ट फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो NR रीज़न है, जी हाँ दोस्तों NR रीज़न और CR रीजन, सेंट्रल रीजन, नॉर्दर्न रीजन, जो इनके एडमिट कार्ड है वो अभी तक पब्लिश नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों इनका जो एडमिट कार्ड है बहुत जल्द पब्लिश होने वाला है, फर्स्ट वीक ऑफ जैन। और दो क्योंकि दोस्तों आपको 14 जनवरी से, जी हाँ दोस्तों 14 जनवरी से जो आपका एग्ज़ाम चालू है इसकी, ये 14 जनवरी से पहले इनको जो है कि एडमिट कार्ड अवेलेबल कराना होता है, तो दोस्तों फर्स्ट वीक ऑफ जैन तक इनकी जो है कि इसके एडमिट कार्ड आने की संभावना है। और दोस्तों सभी यहाँ पे सभी जोन का आ चुका है, तो दोस्तों बहुत जल्द आपके, जैसे कि मैं बता दूँ आज हो गया आपकी 30 तारीख, तो दोस्तों इसका फॉर्म जो है 31 तारीख तक आने की पूरी संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही है पूरी जानकारी और डाटा के माध्यम से मैंने बताया कि आपके जो सभी के जोन के आ चुके हैं, तो आपके भी जो NR और CR रीजन के 30 तारीख आज नहीं तो कल दोस्तों आपके जो एडमिट कार्ड है वो पब्लिश हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे SSC GD 2023 को लेकर। इसमें हमने आपको बताया सेंट्रल रीजन है और नॉर्दर्न रीजन, जो इसके जो इस रीजन के जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आएगा, और इसके डेट जो है चुकी बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है, इसी महीने दिसंबर में ही आपके जो एडमिट कार्ड है वो आने तय हैं। दोस्तों ये सारा डाटा मैंने ऑफिशियली डाटा के माध्यम से बताया कि जितने भी रीजन हैं उन सभी का पब्लिश हो चुका था। दोस्तों आप सभी का भी जो इस दिसंबर के एंड तक बिल्कुल दोस्तों सभी के एडमिट कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। दोस्तों ये सारी जानकारी जो कि आपको हमने इस वीडियो में दी, दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको डाटा सारा समझ में आएगा। दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई सबसे पहले देंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।